एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी अपना अकोलाइट डिजिटल का इंटरव्यू एक्सपीरियंस एज अ 3+ एक्सपीरियंस जावा डेवलपर। तो बेसिकली मेरी जो लास्ट अपलोडेड वीडियो थी असेंचर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो उसमें मुझे DM आ रहे थे। तो जितने भी जावा डेवलपर्स हैं जो कि करंटली जॉब स्विच का सोच रहे हैं, तो उनके दिमाग में डाउट था कि उनसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जो जो कंपनीज में मैंने इंटरव्यू फेस किए हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। बिकॉज जब मैं इंटरव्यू दे रही थी तो मैंने नोटिस किया कि एक दो कंपनीज में इंटरव्यू देने के बाद ऑलमोस्ट हर कंपनीज में कुछ ना कुछ पैटर्न या कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज थी क्वेश्चंस में। तो या दैट क्वेश्चंस आई विल बी शेयरिंग विल बी गोइंग टू हेल्पफुल अगर कोई अकोलाइट डिजिटल कंपनी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है, इवन एज अ फ्रेशर और एक्सपीरियंस जावा डेवलपर। सो दीज क्वेश्चंस वुड बी एबल टू हेल्प देम आउट, बिकॉज कुछ कुछ टॉपिक्स रहते हैं, कुछ कुछ कंसेप्ट रहते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं और सारी कंपनीज पूछ लेती हैं। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो अकोलाइट कंपनी के लिए भी जो मेरी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है वो वाया नौकरी के थ्रू ही होती है। मुझे नौकरी के थ्रू कॉल आती है HR की और मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा round 1, जो round 1 रहता है वो नियरली 1 hour 30 minutes का रहता है और उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं डायरेक्टली आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। सो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और सारे क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर सकते हो, या मैं इसकी जो लिस्ट है वो PDF जो है वो शेयर कर दूंगी, आप डायरेक्टली जो है वो चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो जो इंटरव्यू है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रीफ इंट्रो से मेरी, और इंट्रो के बाद ही डायरेक्टली जम्प्ड इनटू द जावा क्वेश्चन। सो जावा में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था क्यू वर्सेस स्टैक, सो क्यू और स्टैक में क्या डिफरेंस है उसे एक्सप्लेन करो। एंड देन सेकंड क्वेश्चन ही जम्प्ड ऑन टू द इंस्टांस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। सो इंस्टांस और स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनके बीच में के जितने भी डिफरेंस है वो मुझे बताने थे। एंड आफ्टर दैट ही आस्क्ड द क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट, तो इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस रहता है। सो नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा अगर हम काउंटर को इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कोड लिख सकते हैं, दैट मीन्स स्टैटिक वेरिएबल का यूज करके हम काउंटर को कैसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं, दैट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड। फिर उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली जंप किया, ही आस्क्ड व्हाट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वर्सेज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो भी जावा के इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट पॉलीमॉर्फिज्म जो भी उप से कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो इंटरव्यू में जा रहे हो जावा के तो आपको उप्स के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। तो इंटरव्यूअर्स ने यही इंटरफेस पॉलीमॉर्फिज्म और जो मैंने क्वेश्चंस बताए उनसे रिलेटेड में से क्वेश्चंस पूछे। देन आफ्टर दैट ही आस्क्ड द डिफरेंस बिटवीन लिंक्ड लिस्ट वर्सेस सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। तो ये जो इंटरव्यू था वो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस के बीच में जा रहा था, इंटरफेस वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट, क्यू वर्सेस स्टैक, एंड देन ही लेटर आस्क्ड द डिफरेंस दैट इज लिंक लिस्ट वर्सेस सर्कुलर लिंक लिस्ट। या सो ये डिफरेंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे जाके। एंड देन आफ्टर ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उन्होंने कवर किए जितने भी बेसिक जावा के हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको आइडिया है कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट वर्सेज लिंक लिस्ट। तो एरे लिस्ट वर्सेज लिंक लिस्ट का जो डिफरेंस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू। तो ये मुझसे बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा गया, तो ये भी आप टॉपिक जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट ही आस्क्ड मी द क्वेश्चन एक्सप्लेन मी द इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप। तो ये सारे जो थे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, तो इसमें जनरली वो ब्रीफ आउट चाहते थे कि मैं उनको अच्छे से डिफरेंसेस बताऊं। और इसमें उन्होंने मुझे पूछा कि इंटरनल वर्किंग क्या होती है हैश मैप की, सो दैट वाज अनदर क्वेश्चन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, तो जितने भी बेसिक जावा के क्वेश्चन हैं उन्होंने स्टार्टिंग में मुझसे कवर अप किए। एंड देन ही जम्प्ड ऑन टू द DSA पार्ट। DSA में मीन्स उन्होंने कोडिंग स्टार्ट कर दी, तो उन्होंने बोला यू कैन शेयर योर स्क्रीन, और स्क्रीन शेयर करने के बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन वॉज राइट DQ इम्प्लीमेंटेशन। तो DQ इम्प्लीमेंट करके मुझे कोड राइट करना था, सो उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं कोई भी ऑनलाइन एडिटर यूज़ कर सकती हूँ और इवन आई कैन राइट द कोड ऑन नोट पैड एज वेल। तो मैंने ऑप्ट किया ऑनलाइन एडिटर को, बिकॉज क्या रहता है कि अगर हम नोटपैड पे राइट कर देते हैं तो क्या दिक्कत रह सकती है, लेट सपोज हमने अपनी अप्रोच लिख दी, ठीक है, तो अगर हम अपनी अप्रोच एक प्रॉपर ID में लिख रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर इनपुट और आउटपुट के लिए चेक कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है सिलेक्शन की, क्योंकि उस टाइम पे इंटरव्यूअर को भी दिख रहा है इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए एग्जैक्टली आउटपुट क्या प्रिंट हो रहा है। तो मैं जो है वो जनरली प्रेफर करती हूँ नोटपैड में, अगर हो सकता है तो नोटपैड, अदरवाइज आई प्रेफर कि मैं ऑनलाइन ID पे
कर दूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी स्प्रिंग टूल सूट था तो मैंने उस पर कर दिया। और अगर STS नहीं इंस्टॉल्ड है तो आप किसी भी ऑनलाइन कंपाइलर जावा का कर सकते हैं यूज़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ही गेव मी कि आपको इनपुट दिया जाता है 4 डिजिट, सो 4 इज़ योर इनपुट, तो उसका जो बाइनरी फॉर्मेट है वो आपको प्रिंट करना है। और बाइनरी फॉर्मेट निकालने के बाद, बाइनरी फॉर्मेट जो भी आपके पास आएगा उसमें कितनी नंबर ऑफ जीरोज हैं, मीन्स काउंट ऑफ जीरोज जो है वो आपको प्रिंट करनी है। सो दैट वॉज द क्वेश्चन। सो ये कोड था जो उन्होंने मुझे दिया, सो दैट आई ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड ऑन ID और विद रिस्पेक्ट टू इनपुट दैट इज 4 गिवन। सो मैंने जो है वो बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और उसके काउंट ऑफ जीरोज, मतलब जितने नंबर ऑफ जीरोज थे उस बाइनरी फॉर्मेट में, वो प्रिंट करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज ऑल्सो अनदर कोड। ही आस्क्ड मी टू राइट द कोड फॉर इक्विलिब्रियम इंडेक्स ऑफ एन एरे। सो आप ये चेक कर सकते हो लीड कोड पे भी क्वेश्चन या गिग्स फॉर गिग्स पे। तो उन्होंने मेरे को एक एरे दे दिया था और उसमें मुझे इक्विलिब्रियम इंडेक्स फाइंड करना था उस एरे का। सो दैट वॉज द अनदर क्वेश्चन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वॉज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सो ही गेव मी अ स्ट्रिंग एंड ही आस्क्ड मी फाइंड द पैलिंड्रोम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। सो दैट वॉज अनदर क्वेश्चन। सो इस पर्टिकुलर फर्स्ट राउंड में मेरे से DSA में, मतलब बेसिकली जावा और स्ट्रिंग से रिलेटेड जो कोडिंग क्वेश्चन है वो पूछे गए, और जावा का जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है लाइक ओप्स कॉन्सेप्ट एंड ऑल दैट, इन पे उनका ज़्यादा फोकस रहा। सो दैट वॉज अ ओवरऑल फर्स्ट राउंड फॉर मी विद इन द अकोला डिजिटल। सो दैट वॉज अ फर्स्ट राउंड। सो ये फर्स्ट राउंड जो था दैट स्ट्रेच्ड अप टू 1 आवर 30 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली, या इतना स्ट्रेच हुआ। सो ये जो इंटरव्यू है वो मेरा क्लियर हो जाता है, मुझे विद इन 2 or 3 days में पता लग जाता है कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है। और फिर जो HR है वो मेरा round 2 स्केड्यूल कराते हैं। अब मैं अपने round 2 के बारे में बताती हूँ। जो round 2 है वो भी 1 आवर का ही रहता है, या जो ये इंटरव्यूज़ हैं वो बहुत ही हैक्टिक रहते हैं, मतलब एक एक राउंड जो है वो आपके 1-1 आवर्स के रहते हैं। और आप किसी भी राउंड में फिल्टर हो सकते हो, और किसी भी राउंड में अगर आप फिल्टर हो गए सो यू हैव लाइक नो वे, लाइक आप बैक टू जीरो, मतलब आपको उस कंपनी का ऑफर नहीं मिल रहा होगा। सो अब round 2 की बात करते हैं। सो round 2 कैसा रहा, round 2 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो जो मेरा अकोलाइट का round 2 रहा, दैट वॉज मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स जावा एडवांस्ड के कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछे गए, उस पर ज़्यादा फोकस था। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा, दैट वॉज रिलेटेड टू फंक्शनल इंटरफेस, कि फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। तो जो भी जावा की प्रिपरेशन कर रहा है, आई वुड से कि जो जावा 8 है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जावा 8 के जितने भी फीचर्स है, बीट, फंक्शनल इंटरफेस, स्ट्रीम API, ऑप्शनल क्लास, डिफॉल्ट मेथड, स्टैटिक, एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द अकोलाइट क्वेश्चन। सो ही आस्क्ड मी फंक्शनल इंटरफेस। सो फंक्शनल इंटरफेस के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि स्ट्रीम API क्या है। सो उसके बाद उन्होंने मुझसे स्ट्रीम API का क्वेश्चन पूछने के बाद पूछा, लेट सपोज एक लिस्ट है जिसमें इंटीजर्स हैं, 1 है 2 है 3 है और लेट सपोज 9 है 10 है, तो जितने भी ऑड नंबर्स हम इस लिस्ट में फाइंड कर सकते हैं और जितने भी ऑड नंबर्स का स्क्वेयर है, लेट सपोज इसके अंदर 3 है, तो 3 का स्क्वेयर क्या हुआ, 9 हुआ। सो ऐसे ही हमें जो है वो स्ट्रीम API से रिट्रीव करना था और हमें फाइंड करना था स्क्वेयर ऑफ ऑड नंबर। सो दैट वाज अनदर क्वेश्चन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आल्सो कोडिंग क्वेश्चन, सो दैट वाज रिलेटेड टू एरे। उन्होंने बोला फाइंड सब एरे विद गिवन सम। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप गिग्स फॉर गिग्स पर चेकआउट कर सकते हो। सो उन्होंने मेरे को ये क्वेश्चन दिया, फाइंड सब एरे विद गिवन सम, दैट आल्सो आई वाज एबल टू सॉल्व। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही आस्क्ड मी डिज़ाइन पैटर्न। सो वॉट इज़ डिज़ाइन पैटर्न। सो जो भी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, डिज़ाइन पैटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल इंटरव्यू। सो डिज़ाइन पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो डिज़ाइन पैटर्न में सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न, एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन पैटर्न, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो उन्होंने मुझसे पूछा कि सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को एक्सप्लेन करो एंड हाउ यू कैन ब्रेक सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न, उसके कौन कौन से वेज हैं वो एक्सप्लेन करो। तो जो भी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, प्लीज़ डिज़ाइन पैटर्न पक्का गो थ्रू करना। जितने भी इंटरव्यूअर्स हैं वो जावा 8 फीचर्स के बाद डिज़ाइन पैटर्न जरूर काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज रहता है उनका। तो उसके बाद उन्होंने मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन जावा 8 फीचर्स। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, जितने भी जावा 8 के न्यू फीचर्स आए हैं, जावा 8 में फीचर्स हैं उनको एक्सप्लेन करो। सो 1 by 1 मैंने सारे के सारे फीचर्स को उनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया डिटेल में। तो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, आप थोड़ा सा उसको डीप में डाइव भी कर सकते हो। तो उन्होंने मेरे से जो है वो सारे के सारे फीचर्स पूछे और उन्हें ब्रीफ आउट करने के लिए कहा। सो दैट वाज इट रिगार्डिंग द जावा 8 फीचर्स। एंड आफ्टर दैट ही आस्क्ड मी रिगार्डिंग माय प्रोजेक्ट, व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइंड विद इन द प्रोजेक्ट। मैं किस टाइप का प्रोजेक्ट करती हूँ और उसमें स्पेसिफिक मेरा क्या रोल रहता है, कितनी टीम है, टीम साइज क्या है और मेरा पर्टिकुलर रोल क्या रहता है, मेरी डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या हैं,
एंड ही आस्क्ड मी रिगार्डिंग द स्टैंड अप मीटिंग्स आल्सो, सो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं विद इन द प्रोजेक्ट, या मैं पर्टिकुलरली क्या फेस कर रही हूँ चैलेंजेस विद इन द प्रोजेक्ट, और अगर मैंने अपनी टीम में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किए हुए हैं विद इन द प्रोजेक्ट. सो दैट वॉज द जनरल क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट. सो उसके बाद उन्होंने मेरे को एक हैश मैप का क्वेश्चन दिया था, तो हैश मैप का जो क्वेश्चन है वो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ. सो हैश मैप का उन्होंने कोडिंग क्वेश्चन ही दिया था, सो आप हैश मैप जरूर पढ़ लेना. हैश मैप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द इंटरव्यू पर्स्पेक्टिव. सो हैश मैप से रिलेटेड उन्होंने कोई कोडिंग क्वेश्चन दिया था, उसमें आई कांट रिमेंबर कुछ की वैल्यू पेयर्स दी थी एम्प्लॉय और डेटा डिपार्टमेंट इन्फो से रिलेटेड. सो ऐसे ही कोई हैश मैप से रिलेटेड कोड था और उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी. सो दैट वॉज अनदर क्वेश्चन. सो हैश मैप का कोड जो है वो आप जरूर देखना. एंड आफ्टर दैट द इंटरव्यू आस्क्ड मी द डिफरेंस बिटवीन द कंपेरेबल एंड कंपैरेटर. कंपेरेबल और कंपैरेटर में क्या डिफरेंस है, सो दैट वॉज अनदर क्वेश्चन. सो जितने भी मैं टॉपिक्स बता रही हूँ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू. सो जो भी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है वो इन क्वेश्चन को जरूर एक बार देख लेना इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द इंटरव्यू लाइक दैट. सो मेरे जितने भी दो राउंड रहे थे, राउंड वन एंड राउंड टू, दैट वॉज टेक्निकल इंटरव्यू. सो जितने भी क्वेश्चन थे वो टेक्निकल एरिया से रिलेटेड ही थे. एंड जंपिंग ऑन टू द राउंड थ्री, जो राउंड थ्री था दैट एच आर मैंशन दैट इट इज अ मैनेजर राउंड, टेक्नो मैनेजर राउंड, कि टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और मैनेजर टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे. एंड दैट वॉज ऑल्सो ऑफ वन आर अगेन. सो आई हैड एक्सपेक्टेड कि मैनेजर टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा हों, बट या मैनेजर क्वेश्चन थर्ड राउंड में भी मुझसे नहीं पूछे गए. सो दैट वॉज ऑल्सो बिट ऑफ टेक्निकल वन. सो या सो नाउ आई बी जंपिंग ऑन टू द राउंड थ्री एंड आई बी एक्सप्लेनिंग कि राउंड थ्री में मुझसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए. सो जो राउंड थ्री रहते हैं, राउंड थ्री में जो इंटरव्यूअर है ही डायरेक्टली जम्प्ड ऑन टू द कोडिंग क्वेश्चन. सो दैट वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू एरे. ही गेव मी अ क्वेश्चन टू चेक वेदर द एरे इज सॉर्टेड और नॉट. सो चेक वेदर इफ द एरे इज सॉर्टेड, तो ये मेरा क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट रहता है. तो इसका भी जो है कोड वो मुझे करने के लिए कहते हैं और आई डी में करती हूँ. फॉर बेसिकली जो एरे है वो खुद प्रोवाइड करते हैं कि पर्टिकुलर एरे है और आपको चेक करना है कि एरे जो है वो सॉर्टेड है या नहीं. एंड वन थिंग टू रिमेंबर, जितने भी इनबिल्ट फंक्शंस है वो आप यूज़ नहीं कर सकते. वो ऑलरेडी बोल देते हैं कि आपको इनबिल्ट फंक्शंस यूज़ नहीं करने, और आप जितना ज़्यादा कोड जो है वो ऑप्टिमाइज करके लिख सकते हो. एंड दैट वॉज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम हिज साइड. सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन होने के बाद ही जम्प्ड इन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट वॉज द nth हाइएस्ट सैलरी. सो जो सेकेंड क्वेश्चन होता है वो मुझसे पूछते हैं nth हाइएस्ट सैलरी. ही जम्प्ड इन टू द सीक्वल. सो सीक्वल का क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है. nth हाइएस्ट सैलरी जो है वो मैं नोटपैड पे कर देती हूँ, उसके लिए जो है एडिटर या ऑनलाइन कंपाइलर पे करने की जरूरत नहीं होती. सो nth हाइएस्ट सैलरी फाइंड करने के बाद उसके बाद वो मेरे को एक प्रॉब्लम देते हैं जिसमें मुझे इनर जॉइंस जो है वो अप्लाई करना होता है. सो एज ए एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल लाइक दैट आई एम गिविंग एग्जाम्पल, बट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वॉज नॉट सेम. तो ऐसे ही टू टेबल्स होते हैं. सो टू टेबल्स में ज्वाइन अप्लाई करके एक रिजल्ट लाना पड़ता है. सो इट वॉज काइंड ऑफ अ ज्वाइन. सो ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है. सो इट वॉज अ क्वेश्चन दैट वॉज आस्क्ड लेटर. तो ये क्वेश्चन रहता है जो मुझसे पूछा जाता है ज्वाइन से रिलेटेड. And moving on to the next, ये question पूछने के बाद ही jumped into the directly microservices. So monolithic architecture और microservices architecture में क्या difference है. और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि fault tolerant जो है वो microservices में हम कैसे achieve कर सकते हैं, वो सब बताइए, explain करो. तो वो सब जो है वो मैंने explain किया. So that was my overall experience with the Acolyte company. हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, जो Acolyte है मेरे तीनों के तीनों राउंड जो है वो क्लियर हो जाते हैं. एंड इवन दो एच आर मैंशन कि आपका जो राउंड है वो क्लियर हो गया है, सो हम आपको जो है ऑफर रिलीज करेंगे. बट एट द टाइम ऑफ जब एच आर मैंशन करते हैं कि वो ऑफर रिलीज करेंगी, स्टार्टिंग में मैंने एच आर को बोला होता है कि जो मेरा नोटिस पीरियड है वो 2 months का है, बिकॉज जो Acolyte डिजिटल है वो 3 months के नोटिस पीरियड पे इंटरव्यू स्केड्यूल नहीं करती, और वो काफ़ी अच्छा पैकेज ऑफर कर रहे होते हैं. तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना ये कंपनी जो है वो मैं सेफ साइड पे ज्वाइन करने के लिए रख लूँ. तो मैं उन्हें ऑफर रिलीज होने से पहले ही बोल देती हूँ कि जो मेरे साथ जो प्रॉब्लम कि मेरा जो 90 days का नोटिस पीरियड है, सो मैं 90 days की नोटिस पीरियड के बाद ही ज्वाइन कर सकती हूँ. तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है, दैट वॉज अ ब्लंडर मिस्टेक आई हैड डन. बट आप ना करें, आप एक बार ऑफर लेटर ले लें, उसके बाद जो है वो आप एटलीस्ट जो डेट है वो एक्सटेंड कर सकते हो. सो दैट वॉज माई ओवरऑल एक्सपीरियंस विद Acolyte कंपनी. तो Acolyte कंपनी का मेरा एक्सपीरियंस ये रहता है. एंड इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग आफ्टर गिविंग 3 rounds बट यू हैड नॉट बीन प्रोवाइडेड विद ऑफर लेटर. बट या होता है ऐसा, वी डोंट हैव टू वरी, बट इट्स स्किल. बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंस रहते हैं. सो इट वॉज टाइप ऑफ दैट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. एंड ठीक है,
सो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था. होपफुली जो भी ट्राई कर रहे हैं एंड हु वुड हैव बीन ट्राइंग आउट फॉर स्विच और लुकिंग आउट फॉर जावा डेवलपर जॉब, इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल. दैट पर्टिकुलर वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल. एंड एक चीज मैं और ऐड करना भूल गई, जो अकोलाई डिजिटल था उसमें मैंने टोटल 3 rounds फेस किए थे, बट इसके जनरली 5 rounds भी होते हैं अगर जो क्लाइंट इंटरव्यू है वो एक्सटर्नल रहता है. लाइक जैसे कि मैंने जो 3 rounds फेस किए थे उसमें मुझे ऑफर लेटर मिलने के बाद मैं कंपनी ज्वाइन कर लेती हूँ, और कंपनी ज्वाइन करने के बाद जो क्लाइंट राउंड है वो मुझे फेस करने पड़ते. मतलब जिस भी प्रोजेक्ट में मैं जाती, जिस भी प्रोजेक्ट के लिए मैं काम करती, उसके जितने भी राउंड्स है वो मेरे अंदर होते. बट कई बार ऐसा भी होता है कि अकोला डिजिटल में डायरेक्टली 5 rounds हो जाते हैं, कि जो क्लाइंट राउंड है वो भी डायरेक्टली साथ में हो जाता है. दैट मीन्स अगर कोई भी क्लाइंट है जिसकी रिक्वायरमेंट के लिए वो आपको सिलेक्ट कर रहे हैं या उनको आपको मैप करना है, तो वो क्लाइंट राउंड भी आपका जो है विद इन द सिलेक्शन प्रोसेस, जो 3 rounds है उसके बाद जो है आपका क्लाइंट राउंड भी हो सकता है. सो ऐसा उनका ओवरऑल प्रोसेस रहता है. सो मेरा जो था, मैं बेंच के लिए हायर हो रही थी. बेंच में जाने के बाद मेरे जो है वो क्लाइंट राउंड जो है वो विद इन द कंपनी होते हैं. सो दैट वॉज द इंटायर प्रोसेस. सो अकोला डिजिटल में 5 rounds भी हो सकते हैं, जिसमें आपके 3 rounds जो है वो इंटरनल रहेंगे, और जो बाकी के 2 rounds हैं, और इट कुड बी 1 or more 3 rounds, दैट कुड बी ऑफ क्लाइंट. सो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. एंड दैट वॉज द ओवरऑल आइडिया. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल. थैंक यू.